भोपाल की केंद्रीय जेल में बंद फांसी की सजा पाए छह आतंकियों पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सोमवार को सुरक्षा से जुड़ी एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें एक समिति गठित की गई है। इसकी अध्यक्षता एडीजी जेल करेंगे। गौरतलब है कि 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट मामले में सबदा नागौरी समेत छह आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। ये सभी आरोपी भोपाल केंद्रीय जेल में बंद है। आतंकवादियों की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के गांव में नशे में धुत एक हेड कांस्टेबल ने जमकर हंगामा किया। मामला खंडवा जिले में वन मंत्री विजय शाह के गांव गुलाईमाल का है। यहां रविवार को वन विभाग का एक कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में वन मंत्री विजय शाह भी मौजूद थे। इस कार्यक्रम में पुलिस लाइन रिजर्व फोर्स के हेड कांस्टेबल प्रदीप तोमर की ड्यूटी लगाई गई थी। प्रदीप सिविल ड्रेस में अपनी बुलेट से जा रहा था। इस दौरान उसे बाजार की सड़क पर हाथ छेले दिखे। उसने बीच सड़क पर बुलेट खड़ी की और हाथ ठेले वाले को हटाने कहा। इसके बाद उसने ठेले वाले से बदसलूकी शुरू कर दी, गालियां देते हुए उसकी पिटाई कर दी। साथ ही वन मंत्री विजय शाह को भी बुलाने की चुनौती दी। कांग्रेस विधायक और एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह के ट्वीट से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। दरअसल लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर लिखा है कि जातिवाद की राजनीति से देश का भला नहीं होता, इससे सिर्फ नेताओं का भला होता है। लक्ष्मण सिंह ने अपने एक अन्य ट्वीट में सांसदों विधायकों की पेंशन भी बंद करने की बात कही। वहीं भाजपा ने लक्ष्मण सिंह के ट्वीट पर पलटवार करते हुए जातिवाद के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। टीकमगढ़ के पत्रकारों से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि सरकार मैं बनाती हूं, चलाता कोई और है। मेरे साथ ये सुखद संयोग होता रहा है। उमा ने कहा, मैंने कहा था कि मैं 2019 का चुनाव नहीं लड़ूंगी, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि मैं आगे कोई चुनाव नहीं लड़ूंगी। उज्जैन में एक एसआई पर रेप का मामला दर्ज हुआ है। खास बात यह है कि जिस थाने में कभी सब इंस्पेक्टर रहकर रॉब झाड़ा था, उसी थाने में उसके खिलाफ रेप का केस दर्ज किया गया है। रविवार को एक महिला ने एसआई विकास देवड़ा के खिलाफ रेप, जान से मारने की धमकी और संपत्ति हड़पने की साजिश रचने का केस दर्ज कराया है। मुरैना में मिर्ची बाबा के साथ मारपीट हुई है। मिर्ची बाबा गौहत्या को लेकर देवरी हाईवे पर चक्का जाम करने जा रहे थे। देवरी तिराहे पर कुछ लोग आए और बाबा की पिटाई कर भाग गए। इसके बाद पुलिस बाबा को गाड़ी में डालकर ले गई। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।